नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम में। हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए JPSC और अन्य सभी झारखंड के एग्जाम के लिए झारखंड का भूगोल पढ़े थे, जिस क्रम में हमारा 6 वीडियो आ चुका है। आज 7वां वीडियो है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए तो आज हम लोग शुरू करेंगे झारखंड का भूगोल के क्रम में मिट्टी। तो मिट्टी जो है, देखिए झारखंड का जो मिट्टी है उसको मुख्यतः क्या किया है, 6 प्रकार है, 6 भागों में बांटा गया, अलग अलग प्रकार है, मुख्यतः 6 प्रकार है। अब मुख्यतः जो 6 प्रकार की मिट्टी है उनका चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सा मिट्टी है, फिर उनके बारे में लोग आगे पढ़ेंगे भी। देखिए पहला जो मिट्टी है झारखंड का वो आपका है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी 90% झारखंड का 90% क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है। जब इनके डिटेल्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी बताएंगे लाल मिट्टी के बारे में। फिलहाल आपको देखना है कि कौन कौन सा मिट्टी झारखंड में पाया जाता है। एक आपका लाल मिट्टी हो गया, दूसरा में आपका क्या हो गया, काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर। काली मिट्टी को लोग रेगुर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दो प्रकार हो गया। तीसरा में क्या आपका होगा, लेटराइट। लेटराइट मिट्टी, यहाँ क्या होता है, लाल और लेटराइट दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम क्या करेंगे आपको एक एक करके डिटेल बताएंगे कि किसमें क्या अंतर है और किसमें क्या पाया जाता है, किसकी क्या विशेषता है। तो लाल और लेटराइट दोनों अलग है। तो पहला आपका लाल मिट्टी है, फिर आपका काली मिट्टी है, इसको रेगुर कहते हैं, और इसके बाद आपका आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के अलावा आपका एक है बलुई मिट्टी। क्या है, बलुई मिट्टी, जो बताएंगे किस क्षेत्र में पाया जाता है। ये चौथा क्रम हो गया, मतलब 4 प्रकार का हो गया। और पांचवा आपका है जलोढ़, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मिट्टी खेती के लिए, इसके भी चर्चा करेंगे लोग। पांचवा आपका क्या है, जलोढ़ है। और ये सिक्स नंबर जो आपका मिट्टी है, छठा प्रकार जो है वो आपका क्या है, अवरक मूल का है। अवरक मूल का है, हालांकि ये आपका लाल मिट्टी से कुछ कुछ मैच करता है अवरक के कारण। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी है जिनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कितना है, 6, लाल, काली, लेटराइट, बलुई, जलोढ़ और अवरक। एक एक करके सीरीज से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मिट्टी पढ़ेंगे उस मिट्टी का नाम क्या है, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, लाल मिट्टी का क्या क्या पॉइंट है उस पॉइंट को देखेंगे, लाल मिट्टी का क्या क्या पॉइंट है। तो झारखंड में पहला पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत एग्जाम में आया है और कन्फ्यूजन होता है लेटराइट और लाल। लेटराइट और लाल में कन्फ्यूजन होता है, बहुत हार्ड डिफरेंस टू ईच अदर, दोनों क्या है एक दूसरे से अलग है। लेटराइट मिट्टी जो है ये लाल से अलग है, याद रखिएगा। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है, कौन सा मिट्टी का फैलाव, कौन सा मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो वह आपका क्या है, लाल मिट्टी है, याद रखेंगे। ये आपका फिक्स क्वेश्चन है, ये आपका फिक्स क्वेश्चन है, लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, याद रखना आप लोगों को, इसी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। अब देखिए आर्कियन काल क्या है, आर्कियन काल कहने का मतलब है जिस समय इस मिट्टी का निर्माण हो रहा था, जिसमें मेरा एक चट्टान का वीडियो जिसमें आया था उसमें आप देख पाएंगे अच्छी तरह से। तो आर्कियन काल में लाल मिट्टी का निर्माण हुआ था, ठीक है। आज आपको इतना याद रखना है कि लाल मिट्टी का निर्माण किस काल में हुआ था, आर्कियन काल में हुआ था। और झारखंड में 90% चट्टान, 90% चट्टान जो है आर्कियन काल की है। जब 90% चट्टान आर्कियन की काल की है तो श्योर है कि सबसे ज़्यादा मिट्टी क्या होगा, लाल मिट्टी होगा। आपका दो सवाल अभी तक बन चुका है, लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और लाल मिट्टी किस काल में बना, आर्कियन काल में। आर्कियन काल में जो चट्टान बना था 90% झारखंड में वही चट्टान पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, जो मिट्टी है, मिट्टी की ऊपरी सतह जो होता है जिसमें लोग खेती उती करते हैं, उसमें कुछ जैविक पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है, उसे लोग ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस के लाल मिट्टी में ह्यूमस जो होता है उसकी मात्रा कम होती है, ठीक है, लाल मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और लोहे की मात्रा अधिक होती है। अब आपको याद रखना चाहिए लाल है लोहा है, लाल से आपको लोहाद रखना है, ठीक है, लाल से लोहाद रखना है कि लाल मिट्टी में लोहा ज़्यादा पाया जाता है और ह्यूमस कम पाया जाता है। सिंपल सा सवाल उठा सकता है कि लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, ह्यूमस की या फिर लोहे की या फिर अन्य पदार्थ।
तो लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लोहे की होती है, और कम क्या होता है? ह्यूमस कम होता है। ये मिट्टी अभ्रक के लिए भी विशेष है, लाल मिट्टी में अभ्रक भी पाया जाता है। अभ्रक जो झारखंड अपने आप में पूरा भारत में साथ ही वर्ल्ड में भी स्थान रखती है अभ्रक के कारण, तो ये अभ्रक विशेष में भी लाल मिट्टी ही रहता है। अब अभ्रक जो है हजारीबाग और कोडरमा, झारखंड के जो हजारीबाग जिला है, कोडरमा है, हालांकि उनके अलावा गिरिडीह भी है, लेकिन विशेषता और मुख्यतः हजारीबाग और कोडरमा के जो इलाका है, हजारीबाग और ये आपका कोडरमा का जो इलाका है, उसमें अभ्रक मूल मिट्टी पाई जाती है। अभ्रक मूल मिट्टी जब भी पूछा जाए तो कौन सा मिट्टी होगा? लाल मिट्टी होगा। ठीक है, अभ्रक मूल मिट्टी बोलेंगे तो कौन सा मिट्टी होगा? लाल मिट्टी होगा। इसके बाद आता है लाल मिट्टी अधिकतर टांड में पाया जाता है। टांड चलो फील्ड कहते हैं, टांड को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। जो पूरा फील्ड इलाका होता है वहीं से क्या करते हैं, गांव घर में जो दिवाली का मौसम होता है, आप लोग किए भी होंगे वैसे छुट्टी में, अभी भी करते होंगे, टांड से क्या करता है, मतलब फील्ड से मिट्टी को कोड़ के लाता है और घर के दीवारों में लगाता है, वही तो है लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी में काफ़ी को कन्फ्यूजन होता है, खून की तरह लाल में नहीं कह रहा, जो फील्ड से जो टांड से लोग मिट्टी को क्या करते थे दिवाली के समय में कोड़ के लाते थे और घर के दीवारों में क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। ठीक है, तो वही टांड में पाया जाता है, वही आपका लाल मिट्टी है। ठीक है, वही आपका लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी अधिकतर टांड में पाया जाता है, ना कि खेतों में। याद रखेंगे, लाल मिट्टी अधिकतर कहाँ पाया जाता है? टांड में पाया जाता है। इसके अलावा इस मिट्टी में क्या खेती हो सकता है? जो फील्ड का इलाका है, टांड का इलाका, लाल मिट्टी का क्षेत्र है, उसमें क्या इसका खेती ज़्यादा होता है? इसमें सर्वाधिक आपका ज्वार हो सकता है, ज्वार हो सकता है ज़्यादा। और इसके बाद आपका बाजरा, बाजरा भी इस मिट्टी में बहुत होता है। कोदो, कोदो आपने शायद खाया भी होगा या नहीं खाया होगा तो सुना जरूर होगा, बहुत ही प्रमुख और प्राचीन है ये कोदो। कोदो भी फील्ड में ही होता था और क्या कहते हैं, लाल मिट्टी में ज़्यादा होता है। इसके अलावा मूंगफली, मूंगफली भी फील्ड में आप लगा दीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है। मूंगफली के लिए उपजाऊ है, लाल मिट्टी के लिए क्या है ये, लाल मिट्टी में बहुत ज़्यादा मूंगफली होता है। इनके अलावा रागी, रागी किसे कहते हैं? देखिए, रागी बहुत ही फेमस वर्ड है जिसको लोग मड़ुआ के नाम से जानते हैं। मड़ुआ को ही लोग क्या कहते हैं? रागी कहते हैं, जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। लोहा की मात्रा क्या होता है? आयरन में बहुत ज़्यादा है, आयरन बोलते हैं ये रागी आपका जो है, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। पहले के ज़माने में आप सुने होंगे लोग कोदो, रागी मतलब मड़ुआ, ये सब ज़्यादा खाया करते थे। दरअसल होता क्या था कि फील्ड जो है पूरा फील्ड में उस तरह से लगा दिए, और फील्ड में क्या होता था हम बताएं, टांड में क्या होता है? लाल मिट्टी होता है। तो लाल मिट्टी में क्या क्या होता है? ज्वार, बाजरा, कोदो, मूंगफली, रागी, रागी में सब मड़ुआ समझेंगे, मड़ुआ ही होता है। ठीक है, तो ये आपने जो देखा इतना, ये आपका लाल मिट्टी के बारे में था। एक बार पुनः देख लीजिए, सर्वाधिक फैला हुआ लाल मिट्टी है जो आर्कियन काल में बना था। इसके बाद आपका ये जो है ह्यूमस कम होता है, लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। अभ्रक मूल मिट्टी भी आपका लाल मिट्टी है जो हजारीबाग कोडरमा के पाया जाता है, और लाल मिट्टी में कहाँ पाया जाता है? टांड में पाया जाता है। और किस किस में उसमें क्या होता है? ज्वार होता है, बाजरा होता है, कोदो और मूंगफली, रागी होता है। तो ये भी आपने क्या देखा? लाल मिट्टी के बारे में देखा। ठीक है, हमने लाल मिट्टी के बारे में पढ़ा, आप क्या पढ़ेंगे? काली मिट्टी। काली मिट्टी जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि झारखंड के किस क्षेत्र में, झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है। देखिए, राजमहल ट्रिप, राजमहल ट्रिप भौतिक विभाजन का जो हमारा वीडियो था उसमें बहुत अच्छा से आपको बताया गया है कि राजमहल किस इलाका में है। ठीक है, तो राजमहल, राजा का महल, आप समझ सकते हैं तरह से, राजा का महल बहुत पुराना था, अब क्या हो गया, वो धस गया, वो काला हो चुका है, ऐसा याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो राजमहल जो है, राजमहल आपका साहेबगंज के इलाका में पड़ता है। ठीक है, आप हमारा भौतिक विभाजन और मैप का वीडियो देख लेंगे प्लेलिस्ट से जाकर। तो साहेबगंज का जो इलाका है, जो साहेबगंज का इलाका है, साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़, लेकिन 90% अगर बोल देंगे तो साहेबगंज इलाका में आपका काली मिट्टी पाया जाता है। तो पहला सवाल आप याद रखेंगे, एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो काली मिट्टी किधर पाया जाता है? राजमहल ट्रिप में। राजमहल कहाँ पे है? साहेबगंज, और इसके थोड़ा सा बगल में आपका गोड्डा और पाकुड़ भी है। ठीक है, ये बेसाल्ट चट्टान, आप काली मिट्टी,
जहाँ जहाँ बेसाल्ट चट्टान था, और बेसाल्ट चट्टान के टूटने से, क्षय होने से जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वही मिट्टी आपका काली मिट्टी है। तो इससे भी सवाल आपका आ जाएगा कि काली मिट्टी का निर्माण कौन सा चट्टान से बना है, ठीक है। इससे भी आपका सवाल आ जाएगा कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से बना है, तो आपको हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। अब काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, देखिए काली मिट्टी में लोहे की अधिकता होती है। आपने लाल में भी देखा था कि लोहे की अधिकता होती है, एल्युमिनियम की अधिकता होती है, एल्युमिनियम भी ज़्यादा मात्रा में रहता है काली मिट्टी में। चूना और मैग्नीशियम, ये चार जो आप देख रहे हैं, लाल लोहा, एक आपका लोहा है, एक एल्युमिनियम है, एक आपका चूना है, एक आपका मैग्नीशियम है, ठीक है। ये चारों मिट्टी जो है अधिकतर किसे पाया जाता है, काली मिट्टी में पाया जाता है। लेकिन जैविक पदार्थ की मात्रा इसमें भी कम होती है। काली मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी होगा काली मिट्टी में क्या उपजाया जाता है, किसके लिए फेमस है काली मिट्टी। जैसे कि आपने लाल में क्या देखा, कोदो, रागी, जिसको मड़ुआ कहते हैं, ज्वार, बाजरा, ये सब किसमें होता है, लाल मिट्टी में होता है। मूंगफली भी लाल मिट्टी में आपका होता है। लेकिन काली मिट्टी किसके लिए फेमस है, कपास के लिए। कपास के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये कि काली मिट्टी या तो फिर कपास जो है कौन सा मिट्टी में उगाया जाता है, तो कपास जो है काली मिट्टी में उगाया जाता है। और धान और चना भी बहुत उपयुक्त है, चना भी बहुत उपयुक्त है काली मिट्टी के लिए, और धान। तो इन तीनों में आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा कपास, काली मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, कपास है, चना है, और आपका क्या है, धान है। धान मुख्यतः और भी मिट्टी में होता है, लेकिन ये कपास और चना आपका खास करके काली मिट्टी में होता है। तो अभी आपने क्या देखा, काली मिट्टी के बारे में देखा, क्या समझा काली मिट्टी के बारे में, एक बार देख लेते हैं। राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है, राजमहल बोलेंगे तो साहिबगंज, और उस इलाका में कौन सा चट्टान था, बैसाल चट्टान, क्योंकि बैसाल चट्टान के टूटने से काली मिट्टी बनता है। उसमें क्या, एल्युमिनियम, चूना, मैग्नीशियम, ये सब अधिकता होती है, जैविक पदार्थ की मात्रा कम होती है, और काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए। तो अभी हमने लाल और काली मिट्टी के बारे में पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, लेटराइट मिट्टी के बारे में। एक सीरीज से पढ़ रहे हैं ताकि आपको असुविधा नहीं हो। तो अब पढ़ेंगे क्या, लेटराइट के बारे में, लेटराइट समझेंगे। लेटराइट मिट्टी जो है कैसे कहेंगे, लाल मिट्टी आपने पढ़ा था वो डीप लाल नहीं होता है, लेटराइट किसे कहेंगे, जो बहुत गहरा लाल हो, जैसे एकदम गहरा पूरा खून की तरह लाल, डीप लाल। कैसा लाल है, डीप लाल, यानी कि आप रेड, जैसे कि कुआं कोड़ते हैं ना कभी कभी, तो आप देखें कंकड़ की तरह पूरा लाल लाल मिट्टी निकलता है, वो आपका कौन सा मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी किसे कहेंगे, जो बहुत ही गहरी लाल होगा, जो बहुत ही गहरा लाल होगा, उस लोग क्या कहेंगे, लेटराइट मिट्टी कहेंगे। आखिर लेटराइट का इतना डीप होने का कारण क्या है, उसमें लोह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। इसे भी आप याद रखेंगे, लेटराइट में इतना डीप होने, जो डीप होता है उसका कारण क्या है, कारण है कि वो उसमें लोह ऑक्साइड पाया जाता है। अब ये लाल लेटराइट मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी आपका पाट क्षेत्र, जो भौतिक विभाजन में हमने बताया था अपने वीडियो में कि पाट क्षेत्र क्या होता है, राजमहल की पहाड़ी, जो आपका साहिबगंज का इलाका हो गया, और फिर आपका सिम्बू, दोनों सिम्बू, चाहे पूर्वी सिम्बू हो चाहे पश्चिम सिम्बू, याद रखेंगे पाट क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ी और सिम्बू, ये तीन इलाका में लेटराइट मिट्टी की अधिकता होती है, अधिक पाया जाता है, ठीक है। जैसे आपसे सवाल आ जाए कि सिम्बू में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, सिम्बू में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, ऑप्शन आपका काली, लाल और लेटराइट तीनों रही, तो क्या कीजिएगा, उनमें से जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वही आपका सफिशियंट आंसर होगा। पाया तो लगभग सब ज़्यादा है कम अधिक, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा तो सिम्बू में बोलेगा, तुम लोग क्या आंसर सॉल्व करेंगे, लेटराइट मिट्टी सॉल्व करेंगे। अब ये मिट्टी लेटराइट मिट्टी कब बना था, जिसमें लावा, जिसको लोग मैग्मा के नाम से भी जानते हैं, जब जैसे कि हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे, भारत का भूगोल में, तो पृथ्वी का आंतरिक संरचना जैसे कि ये, इसको तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, तीन भागों में, पहला जो आपका है भूपर पट्टी है, पहला जो आपका है भूपर पट्टी है, दूसरा आपका जो है मेंटल है, और तीसरा आपका जो है करोड़ है। तो इसमें बेसाल्ट चट्टान, पहला जो है भूपर पट्टी, उसमें बेसाल्ट चट्टान, और दूसरा में क्या है, मैग्मा है, क्या है, मैग्मा,
मैग्मा कहने का मतलब क्या है, पूरा एकदम चिपचिपा एक लिक्विड तरह है, ठीक है। तो जिस समय मैग्मा का ठोस बना, जिस समय मैग्मा जो है लावा जो है, जो कहने का मतलब क्या हो गया, वो ठोस हुआ, उसी क्रम में लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। हम कह सकते हैं कि लावा से ही लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। जिस तरह से आपने क्या सीखा था कि काली मिट्टी जो था वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बना, उसी तरह से लावा के जमने से लैटराइट मिट्टी बना, ठीक है। लावा के जमने से लैटराइट मिट्टी बना। अब लैटराइट में पाया क्या जाता है सबसे ज़्यादा, तो ये आपका सिलिकेट। अब सिलिकेट क्या होता है, सिलिकेट आपका एल्युमिनियम और लोहा का जो मिश्रित रूप है, एल्युमिनियम और लोहा का जो मिश्रित रूप है उसको सिलिकेट कहेंगे। और सिलिकेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें लैटराइट मिट्टी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, लैटराइट मिट्टी में क्या होता है, पोटास जो एक उर्वरक की तरह कार्य करता है, नाइट्रोजन। तो पोटास और नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, बहुत कम, ना के बराबर पाया जाता है। और अगर पोटास और नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा तो नाइट्रोजन के बिना तो फिर किसी भी पौधा का विकास संभव नहीं कर सकते हैं, एक तरह से प्रोटीन की तरह है, ठीक है। तो इसमें सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होता है, लोहा की मात्रा ज़्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा नहीं होती है, कम होती है। और नाइट्रोजन और पोटास की कम मात्रा होने के कारण आपका लैटराइट मिट्टी जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें खेती नहीं की जा सकती है। तो ऐसा भी सवाल आ जाए कि इनमें से किस मिट्टी में कृषि लायक या कृषि उपयुक्त मिट्टी नहीं है, तो आपका कौन सा मिट्टी होगा, वो आपका लैटराइट मिट्टी होगा। अब हालांकि जो नहीं है उसको भी संभव किया जा सकता है, जैसे कैसे, यूरिया की सहायता से, ठीक है। आप यूरिया की सहायता से लैटराइट मिट्टी में धान या फिर वो क्या कहते हैं रागी, हर प्रकार की चीज़ नहीं, धान या फिर रागी, रागी मतलब क्या हो गया आपका मड़ुआ, रागी मतलब क्या हो गया मड़ुआ। तो यूरिया की सहायता से लैटराइट मिट्टी में भी खेती किया जा सकता है, लेकिन अगर वैसा डायरेक्ट फैक्टर पूछा जाए तो लैटराइट मिट्टी जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लैटराइट मिट्टी क्या होता है, डीप लाल होता है, गहरा लाल होता है। इसका कारण क्या है, ये लो ऑक्साइड जो होती है, जो लो ऑक्साइड की मात्रा होती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये पाया किया जाता है पहाड़ क्षेत्र में। बताए थे आपको कि लातेहार, लोहरदगा और गुमला, ये तीन इलाका आपका पहाड़ क्षेत्र कहलाता है। फिर राजमहल आपका साहिबगंज में हो गया और सिंभू, इस इलाका में आपका लैटराइट पाया जाता है। जब लावा जमा उसी समय में आपका लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ, इसमें सिलिकेट की मात्रा अधिक होती है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, लाल मिट्टी के बारे में पढ़ा, काली मिट्टी के बारे में पढ़ा और लैटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट में लोग क्या पढ़ेंगे, बलुई मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जलोढ़ के बारे में पढ़ेंगे और अभ्रक के बारे में पढ़ेंगे। अभ्रक प्रधान मिट्टी एक विशेष होता है, मतलब जो मिट्टी रह गया आपका शेष बलुई, जलोढ़ और अभ्रक प्रधान मिट्टी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।